आज ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। दोपहर 3 बजे लखनऊ में होगा कार्यक्रम। यूपी से 10 खिलाड़ियों ने लिया था ओलंपिक में भाग। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा रहे हैं, जहां आज इकाना स्टेडियम में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्मानित करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज दिल्ली भी आएंगे सीएम योगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मुलाकात करने के साथ ही 2022 में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में रणनीति तैयार करने की कोशिश होगी कि आखिर क्या कुछ स्ट्रेटेजी है जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की शीर्ष नेतृत्व बेहद गंभीर है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी की नजर यूपी पर है। क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सभी छोटे और बड़े नेता आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अब खबर यह है कि सीएम योगी आज देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे। चुनाव से पहले सीएम योगी का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों के बीच यूपी चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और कितना ज्यादा खास होगा ये दौरा? देखिए अंशिका, चुनाव यूपी में है आगामी साल में विधानसभा के, लेकिन जो मंथन है वो चल रहा है दिल्ली में। आपने देखा होगा कि जुलाई 28 या 29 तारीख को योगी, सीएम योगी दिल्ली आए थे और तमाम सांसदों के साथ बैठक हुई। आज सीएम योगी यूपी सदन में करीब करीब 7:50 के आसपास शाम को पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो पहुंच चुके हैं दिल्ली में। ऐसे में सीएम योगी का दौरा काफी अहम है, क्योंकि यूपी में आगामी साल में विधानसभा के चुनाव है तो तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। आपने देखा होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा कई मंत्रियों ने निकाली है, अभी वो यात्रा चल ही रही है। ओबीसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि ओबीसी वोटर्स को अपने तरफ कैसे घींचा जाए। गैर यादव ओबीसी वोटर है, उनको अपनी तरफ कैसे घींचा जाए। 27 मंत्री बना दिए गए हैं कैबिनेट में, तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो सीएम योगी का दौरा है काफी अहम है। आपने देखा होगा कि हाल ही में मुजफ्फरनगर में उमेश मलिक जो है बुढ़ाना से विधायक है, उन पर बीकेयू के आरोप लगा कि बीकेयू जो किसान यूनियन है उनके किसानों ने हमला किया और संजीव बालियान ने भी इस पे सख्त कार्रवाई की मांग है। शुक्रिया बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। सदन में विपक्ष लगातार महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि रसोई गैस के दाम 25 रुपया और बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। खबर प्रयागराज से, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा ऐसे जघन्य अपराध पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने दुराचार के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 13 साल की 5वीं कक्षा की छात्रा से रेप का आरोपी था, कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आपराधिक न्याय तंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि याची ने जमानत अर्जी में तथ्य छिपाए।
मेरठ में पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तेल व्यापारी से 14 लाख की लूट में चल रहा था वांछित। मामले में दो अन्य बदमाशों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 25,000 का इनामी बदमाश जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरठ का यह पूरा मामला है। तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद किया गया है। तो वही पुलिस की इस सफलता पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने एसपी क्राइम अनित कुमार से खास बातचीत की। मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने पिछले महीने में एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था। उसी के प्रकरण में आज एसपी क्राइम हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सर, कितनी मुश्किल था इसको पकड़ना और किस तरह से पकड़ा गया? ये एक बड़ा शातिर किस्म का अपराधी है। पुराना इसका अपराधी का इतिहास रहा है। लगभग 17 मुकदमे इसके गंभीर धाराओं में, इसमें डकैती, लूट, चोरी और अन्य विभिन्न धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इतना शातिर है कि अपनी पहचान छिपा के रहता है, जगह बदलता रहता है। इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था और इसकी अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार इस पर काम कर रही थी, इसको वॉच कर रही थी, ग्राउंड से इनपुट उठाया, सर्विलांस की भी मदद ली। इसमें ये इतना शातिर है कि घटना करने से पहले जो गैंग है वो अपना व्हीकल यूज करने के लिए चोरी करते हैं, फिर उसको कहीं अन्य जगह छोड़ देते हैं। जब ये घटना करनी थी इनको, इन्होंने अपने इसी शाहिद में पहले अपने परिवार को वहाँ से शिफ्ट करके अजमेर में सेटल कर दिया घटना करने से पहले, और ये वहाँ से हट के कहीं और रहने लगा। तो इसको मुखबिरों के माध्यम से और अन्य जो टीम ने प्रयास किए हैं, इसने लगातार स्क्वाड टीम लगी रही और उन्होंने फाइनली इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, क्या क्या अपराधी के पास से बरामद हुआ है और इतिहास की बात की जाए तो अपराधी का क्या इतिहास है? इसके 17 मुकदमे विभिन्न जनपदों में लिखे हुए, उनमें हरिद्वार में भी है, यहाँ तक कि मुंबई में भी मुकदमा से लिखा हुआ है, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के मुकदमे हैं। और इसका जो दूसरे चीज क्या पूछिए आपने सर, इतिहास के साथ साथ जो अपराधी पैसे बरामदगी हुई है, क्या क्या बरामद? बरामदगी में इसको इसके पास से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं और एक तमंचा इसके बरामद हुआ जिसने घटना में इस्तेमाल किया। देखिए, लगातार मेरठ पुलिस सुर्खियों में छाए हुए है और वहीं अगर बात की जाए तो बड़ी लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया था। उसके बाद लगातार मेरठ पुलिस की टीम, SOG की टीम, लगातार सर्विलांस की टीम कार्य कर रही थी और जिसको लेकर के 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का साफ कहना है कि जो साथी हैं, अभी तीन साथी बच्चे चल रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं जाएगा, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे सहयोगी महफूज के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया मेरठ। अमरोहा से खबर, जहां चोरी के आरोप में युवक को दी तालिबानी सजा, पेड़ से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। निर्माणाधीन पंचायत भवन में चोरी का आरोप है। बछरायु थाना क्षेत्र के जमानाबाद की पूरी घटना है। पेड़ से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। निर्माणाधीन पंचायत भवन में चोरी का आरोप है इस पर और इसे बेरहमी से पीटा गया, पेड़ से बांध कर पीटा गया है, तालिबानी सजा दी गई है। हालांकि तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग का ये मामला कब खत्म होगा। हर बार यहाँ पर लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद ही न्याय के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये युवक गुहार लगा रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा, बल्कि इसे बुरे तरीके से पीटा गया। मोटर बता, अरे मैया, मोटर बता, मोटर बता, मोटर बता, मोटर बता, मोटर बता। खबर रामपुर से है। चाइनीज मांझे पर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। चाइनीज मांझा बेचने पर लगेगा NSA, गैंगस्टर एक्ट इस्तेमाल करने वाले पर भी होगी रासुका की कार्रवाई। जिला प्रशासन ने पतंग व्यापारियों के साथ बैठक की है। चाइनीज मांझे पर प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। चाइनीज मांझा बेचने पर अब NSA लगेगा, तो इसलिए सावधान हो जाए और चाइनीज मांझा बेचने से बचे। आज आप सभी ने अखबार में एक खबर पढ़ी होगी, 3 साल की एक छोटी बच्ची आमना का चाइनीज मांझे से गर्दन कट के निधन हो गया। मुझे विश्वास है आप सभी को जितना दुख मुझे हुआ, आप सभी को उतना ही दुख हुआ उसमें हुआ होगा। किसी का शौक किसी के लिए कातिलाना कार्रवाई बन जाए, इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हम लगातार इस चीज़ को पहले भी कहते आए हैं और लगातार हमने गाइडलाइन जारी की है कि चाइनीज मांझा किसी भी दिशा में प्रतिबंधित है। पतंगबाजी कुछ लोगों को एक शौक हो सकता है, पर किसी का शौक को इस आधार पर अनुमति नहीं दे सकते, वो किसी के लिए जान पर आफत आ जाए। इसलिए जनपद प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत कठोरतम कार्रवाई हम इस पे करने जा रहे हैं। आज आप सभी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों ने कूड़े के ढेर में शराब पी थी,
जेवर थाना क्षेत्र के टप्पल के पास ये शराब मिली थी, तो तीनों ने कूड़े के ढेर में बैठकर शराब वहीं पी और वहीं पर मिली शराब। कासगंज से खबर, जहां लूट करने आए कार सवार बदमाशों ने राइफल छीन लिया। कोबरा पुलिस की राइफल छीन कर दो बदमाश फरार हो गए हैं। राइफल छीनने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आखिर ये बदमाश कैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस की तरफ से एक स्पेशल टीम गठित की गई है। राइफल लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह करीब 3 बजे की ये वारदात बताई जा रही है। गोदाम में लूट की खबर मिलने पर सिपाही पहुंचे थे। तो कासगंज का ये पूरा मामला है। आयुष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, जिस तरीके से देखा जा रहा है बदमाशों के हौसले बुलंद है, बदमाशों ने राइफल छीनकर वो फरार हो गए हैं, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पे? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल बदमाशों के हौसले जो हैं वो लगातार कासगंज में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक गोदाम में चोरी की सूचना मिली थी, मौके पर आरक्षी गश्त करते हुए वहां मौके पर पहुंचे और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने चोरी का विरोध करने पर जो सिपाही थे उनकी इंसास राइफल जो है उसको लूट कर वो मौके से फरार हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर SP रोहन बोत्रे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया है, स्पेशल टीमें लगाई गई हैं जो कि इस घटना का खुलासा करने में लगातार जो है वो गश्त कर रही है। बता दें कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सदन में सीएम योगी कर सकते हैं बड़ी घोषणा, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे सदन को संबोधित कर सकते हैं सीएम योगी, और कोई बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं खास तौर पर युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए मुख्यमंत्री के पिटारे में क्या है ये दोपहर 12:30 बजे पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कार्यवाही चल रही है, 12:30 बजे का जो वक्त है ये बेहद ही महत्वपूर्ण कहलाएगा। इस 12:30 बजे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो 12:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐलान कर सकते हैं, युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो युवाओं के लिए खास तौर पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीएम। SK वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। SK वाजपेयी, 12:30 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री के पिटारे से युवाओं के लिए क्या निकल सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लेकर आई है उसमें कौशल विकास मिशन साथ ही साथ में जो रोजगार की संभावनाएं हैं कैसे पैदा की जाए उस क्षेत्र में बड़ा बजट दिया है। साथ ही साथ जो एक्सप्रेस वे की परियोजनाएं हैं उनको भी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में दिया है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं इसमें युवाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, उनके लिए जो कहीं ना कहीं विभिन्न विभागों में भर्तियां पेंडिंग है उनको कैसे किया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा कर सकते हैं। क्योंकि इन सारी चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में स्थान दिया है, तो निश्चित है कोशिश यही होगी उत्तर प्रदेश सरकार की कि इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव से पहले युवाओं को एक सौगात दी जाए और युवाओं को खुश करने की कोशिश की जाए ताकि युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहें। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 12:30 बजे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इस विषयों पर मुख्यमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इसके बाद तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना था। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार थे और लगातार हंगामा हो रहा। अगर सदन के अंदर की बात करें, सदन के बाहर की बात करें, समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही। राजपाल कश्यप जी हैं, MLC हैं सपा से, सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं, कहना है महंगा हो गया सिलेंडर। निश्चित तौर पर बात करते हैं राजपाल जी, बाहर बैठे हुए हैं सिलेंडर लेकर। बाहर इसलिए बैठे हैं, गूगी बहरी अंधी सरकार सुनी नहीं रही है। सिलेंडर 1000 का हो गया, हो सकता है इनके परिवार नहीं इसलिए इनको नहीं पता है 1000 का माताएं बहने सिलेंडर कैसे भरवाती है, 1000 रुपये कहाँ से लाएंगी, इनको नहीं पता है। न देश के प्रधानमंत्री जी को न योगी जी को पता है कि सिलेंडर माताएं बहने कैसे भरवाती हैं, इनको दुख दर्द माताओं बहनों को नहीं पता। कल ही तो 7000 करोड़ का अनुपूरक बजट दिया है। अरे 5 साल हो गए, अब कौन सा अनुपूरक बजट झुंझुना। 5 साल में 5 बिल्डिंग बता दो, 5 मंजिल बिल्डिंग कहीं हो, 1 मंजिल का अस्पताल भी दिखा दो। सब माननीय अखिलेश यादव जी के अस्पताल से लेकर सब चीजें है। सरकार तो गिना रही है, कई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बना दिए।
होर्डिंग में थे, मेडिकल कॉलेज योगी जी तो गए थे, पूरे दौरे पे थे, कौन से अपने बनाए हुए मेडिकल कॉलेज में गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए मेडिकल कॉलेजों में गए थे। निश्चित तौर पर एमएलसी राजपाल का शब्द जीते साफ तौर पर कहना है सरकार की जो महंगाई लगातार बढ़ा रही है, सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़ गए, आम आदमी इससे परेशान हो रहा, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी चिंता नहीं। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार। तो झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है। इस फायरिंग में थाना प्रभारी बाल बाल बच गए हैं। घायल बदमाश का नाम रोहित बताया जा रहा है। आरोपी बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा और एक बंदूक और एक बाइक बरामद किया है। तो बस्ती जिले में रंगरलिया मना रहे एक दारोगा जी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दुबौलिया थाना क्षेत्र के ऊंची गांव में एक स्कूल में दारोगा किसी के साथ रंगरलिया मना रहे थे, व्यस्त थे इसी में, गांव वाले भी परेशान थे। बीती रात जब दारोगा गांव में पहुंचा तो ग्रामीणों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर दुबौलिया पुलिस और डायल 112 की टीम पहुंच गई। ग्रामीणों ने स्कूल को घेर लिया। जैसे ही दारोगा बाहर निकला गांव वाले उत्तेजित हो गए। दारोगा ने भी आप न देखा ताव फायरिंग कर लोगों को डराना चाहा। इसके बाद दारोगा की खंबे से बांधकर जमकर खातिरदारी की गई। बाद में ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष दुबौलिया को मौके पर बुलाया और उन्हें दारोगा को सौंप दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा जिले के नौगांव क्षेत्र खेतापुर जहांगीरपुर में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने का गैंग सक्रिय हो गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीणों से आवास योजना के नाम पर ठगी की जा रही है। आवास बनवाने के नाम पर लोगों से हजारों रुपए की ठगी की जा रही है। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लेखपाल का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। लेखपाल पर दूसरे पक्ष से ज्यादा रिश्वत लेने का आरोप है। सदर तहसील के गोरियापुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 10,000 रुपए रिश्वत लेते यहां लेखपाल नजर आया। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में लेखपाल का भ्रष्टाचार, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे भ्रष्टाचार किया गया है, 10,000 रुपए की रिश्वत लिया गया है। कन्नौज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र के अंतर्गत धमौटा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने गांव के ही एक गरीब किसान के खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जब इस बारे में पीड़ित किसान की पता चली तो किसानों ने विरोध किया तो दबंगों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। बताया जा रहा है कि दबंगों के परिवार में से एक व्यक्ति मध्य प्रदेश भोपाल में अधिकारी है। इटावा में स्नातक में पढ़ने वाली छात्रा ने मोहल्ले के सभासद के घर पर जाकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि छात्रा की शादी के लिए उसकी मां ने इनकार किया था, जिससे नाराज होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मृतका का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी वजह से मृतका सभासद के घर पर काम करती थी। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना हमारे एक लक्ष्मी नाम की काम करने वाली आती थी लड़की, करीब 6:45 बजे हम तो घर पे नहीं थे, हम वहाँ बेकरी बैठे थे, तो आई तो इन लोगों ने हमें फ़ोन किया, गली ले आओ भैया भैया, तो गए तो पता लगा गया सर हमें फांसी लगा ली। करीब 5-6 साल से हमारे काम कर रही थी, बहुत अच्छी लड़की थी और अच्छे संबंध थे हमारे लोग परिवार से, पता लगा बुरा लगा। क्या जानकारी क्या हुई, किस वजह से फांसी लगा ली? अभी तो मेरी बात नहीं हुई उन्होंने, कोई हमें इसकी जानकारी नहीं। घटना हमारे एक लक्ष्मी नाम की काम करने वाली आती थी लड़की, करीब 6:45 बजे हम तो घर पे नहीं थे, हम वहाँ भाभी आई, हम काम करके आ रहे थे, बोली लक्ष्मी मम्मी बुला दो, तो हमने क्या बात हुई बताओ, तो बोली लक्ष्मी मम्मी बुला दो, तो हमने भाभी हाथ ऐसे करो, बोलो लक्ष्मी ने फांसी लगा ली, तो हम और मेरी भाभी गए उतारा। फिर हम मम्मी को काम करती थी, वहाँ से फिर लेके आए, सब बताए। क्या वजह रही फांसी लगाने? बस मम्मी ने बताई वही बात है। क्या था? क्या शादी की मम्मी ने
कर दे जिस लड़के शादी करना चाहती थी उससे मना कर दिया घरवाले, इससे नाराज होकर लल्ला कुछ नहीं काम करके आए। अच्छा काम तो करते हैं लल्ला, इतने सालन से इन लोगों के घर काम कोई बात। आज हमने यही कह दिया एक लड़का इनको नाती है, कोई लड़का देना है कि बातचीत हम लोगों ने उनके वही लोगों ने चलाई वो चला दो लल्ला। तो हमने कही अगर वही लोग लेट कर ही है यहाँ चार पाँच साल शादी ना ही हुई है और सयानी बिटिया है हमने की 21 साल की शादी, हमने की वो लड़का ते ना ही करो तो वो फांसी आसी लगाओ लगा था दुनिया को बाउंडर हुआ था। अब लल्ला हमने लड़का से यही बात कही हमने लल्ला तुम कहूँ लड़का देख ले थोड़ी की शादी सर्दियाँ लो बेटा निपटा दे वही करें तो उनके संग कर दो नहीं तो फिर कहूँ अंत का थे ना ज्यादा दिन को वो बस लल्ला इतनी बात बेटा भाई है। आगरा में फतेहपुर सीकरी पुलिस प्रशासन त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन का अराजक तत्वों पर पैनी नजर है। पुलिस का कहना है कि अगर फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई तो बड़ी कार्रवाई होगी। जिले में धारा 144 लागू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी कस्बा मिश्रित आबादी का एक कस्बा है जहाँ सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम है, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, इन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये रूट मार्च किया गया था ताकि एक मैसेज पब्लिक में जाए कि पुलिस को रूट मार्च का कि हाँ कोई भी जो असामाजिक तत्व हैं या अपराधी टाइप के तत्व हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहें, कोई भी असामाजिक गतिविधि ना करें और अन्यथा पुलिस उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी। और जब रूट मार्च होता है तब बहुत सारी कार्रवाइयाँ पुलिस करते चलती है, जब बाइक बिना नंबर की बाइक को चालान करना, सीज करना, तमाम चीज़ें चेकिंग करना, वाहन चेक करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो रूट मार्च में बड़ा मैसेज जाता है। तो वहीं गोंडा में चार बेटों ने मिलकर बुजुर्ग पिता को घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग पिता ने एसपी के जनता दर्शन में इंसाफ लगाई है, जिसके बाद एसपी ने खुद बुजुर्ग को लेकर उसके 25 किलोमीटर दूर घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चारों बेटों और बहुओं की जमकर फटकार लगाई और पिता को साथ रखने को कहा है। साथ ही पिता के सभी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा गया है। एसपी के आदेश के बाद सभी बेटों ने और बहू ने अपने पिता को घर में साथ रखने का फैसला किया है। पारिवारिक समस्या रहा, हमको घर में रहने नहीं देते थे, दाना पानी नहीं देते हैं, लेकिन आज साहब के आने से सब लोग सहमत हो चुके हैं। साहब तो हमारे देवता के तुल्य हैं। आज एक 75 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जन सुनवाई जनता दर्शन के दौरान आज एसपी ऑफिस में आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके चार लड़के हैं और चारों लड़कों ने उनके साथ मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया है। इस सूचना पे थाना धानेपुर की टीम को लगाया गया था और उसके बाद मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे वार्ता भी की गई और उनसे उनके जो लड़के हैं उनको समझाया भी गया और आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई वो भी करने की बात इनको कही गई। जो पारिवारिक विवाद था और परिवार के द्वारा बच्चों के द्वारा ये भरोसा दिलाया गया कि जो पिता है उनको एक कमरा दिला दिया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई है परिवार के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है 75 साल के उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।